वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर SF150 के बारे में एंड ये इसकी चाबी। तो पहले मैं इस बाइक का आपको एक वॉक अराउंड देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके डिटेल्स के बारे में सारा बात करेंगे। तो ये है इस बाइक का फ्रंट डिज़ाइन, फ्रंट लुक जिसे आप बोलते हो। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे आप छोटी सी आपको वाइजर देखने को मिलती है जो कि फंक्शनल नहीं है। अगर आप इसे हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो तो आपकी विंडला सीधे आपके चेहरे पे आएगी। तो कंपनी को इसको थोड़ा और बड़ा देना चाहिए था ताकि विंडला आपके चेहरे पर ना आए। उससे नीचे आते हैं तो यहाँ आपको हेडलाइट्स के बारे में इसके बात करते हैं। तो यहाँ पर फुल्ली LED हेडलाइट्स देखने को मिलती है। सो क्योंकि मैं ऐसे अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ। एंड ये अगर आप नॉर्मल डीपर में चल रहे हो तो आपकी ये ऊपर वाली ऑन होगी, एंड जब आप हाईवे पे जा रहे हो या फिर अगर आप अपर लाइट ऑन करते हो तो आपकी ये वाली लाइट्स ऑन होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप, ब्रेक सेटअप और टायर सेटअप के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है, यहाँ आपको ABS का स्टिकिंग देखने को मिलता है। एंड देन फिर इसकी ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 266 mm का ब्रेक्स देखने को मिलता है फ्रंट में विद सिंगल चैनल ABS। इसमें आपको बाइबस की ब्रेक भी प्रोवाइड कराई गई है। अब इसके फ्रंट व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट टायर्स में आपको यहाँ पे MRF की नाइलो ग्रिप जैपर FX टायर्स देखने को मिलते हैं। अगर इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें तो इसमें आपको 100x80 70 इंचेस के टायर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि ट्यूबलेस टायर है। अब इसके साइड व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ये गाड़ी, इसके साइड व्यू से साइड प्रोफाइल गाड़ी का कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पे आपको ये फुली फेयर्ड बाइक है एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको जिक्सर SF की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। यहाँ आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है जो कि ऐसा लगता है यहाँ पे कंपनी को LED देना चाहिए था, बट चलिए इट्स ओके। तो इसके साइड व्यू के बारे में बात करते हैं। तो साइड व्यू भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है R15 V3, RC125। और तो अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसमें आपको 2025 mm की लेंथ मिलती है ओवरऑल एंड 165 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस है एंड 148 kg की कर्व वेट है गाड़ी की। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक देता है इसका साइड प्रोफाइल से भी। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है इस जगह पे। तो यहाँ आपको SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस का भी स्टिकरिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले आप अगर आप इसके एग्जॉस्ट पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कुछ देर में आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके सारे रियर सस्पेंशन, टायर सेटअप एंड ब्रेक सेटअप के बारे में। तो इसमें आपको 240 mm की रियर ब्रेक्स देखने को मिलती है। अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड अब बात करते हैं इसके रियर टायर्स की, तो इसमें आपको MRF रेव्स M टायर देखने को मिलता है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो ये है आपकी 140x60 R17 इंचेस की आपको टायर देखने को मिलती है एंड ये भी टायर ट्यूबलेस हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रियर से भी ये गाड़ी काफ़ी वाइड लगती है। तो अब बात करते हैं इसके रियर के बारे में। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है ग्रैबल जो कि अगेन पिलियन जो बैठा हुआ है उसे पकड़ने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब उसके नीचे आते हैं तो यहाँ आपको फुल्ली LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है। आप रुकिए, मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल में आपका एक ये जलता है एंड देन जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट ग्लो करता है। एंड ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, जब आप रात में इसे देखोगे तो बहुत ही अच्छा लुक देता है पीछे से। यहाँ आपको अगेन सुजुकी की स्टिकरिंग देखने को मिलती है, इंडिकेटर्स मिलता है। एक चीज़ इस बाइक की मुझे और अच्छी लगी कि ये जो आपको टेल टाइडी देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
ये काफ़ी लंबा टेल टाइडी है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लुक देता है इस बाइक को ये रियर की तरफ से। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ फुटपैक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी जितने भी फुटपैक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी की यूज़ की गई है, पूरी मेटल है एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यूज़ किया गया है। एंड तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको 155 सीसी की 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है। अगर पावर की बात की जाए तो 13.6 BHP की मैक्स पावर देखने को मिलता है एट 8000 RPM एंड 13.8 Nm की टॉर्क देखने को मिलता है एट 6000 RPM। एंड इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगेन आप देख सकते हैं कि बाइक काफ़ी अच्छा लगता है साइड व्यू से, अगर आप इस थोड़ा दूर से भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसका साइड व्यू मिरर है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं तो इसके स्विच गियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको स्लीपर क्लच असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिलता है एंड अगर बात करते हैं इसके स्विच गियर्स की तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी की यूज़ किया गया है। ये इसका हॉर्न था। अब इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलता है एंड देन ये रहा आपका किल स्विच एंड ये सेल्फ स्टार्ट बटन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर कंसोल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, न्यूट्रल लाइट मिलती है एंड यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिलता है, किलोमीटर देखने किलोमीटर ड्रिवन देखने को मिलता है, RPM मीटर मिलता है, फ्यूल मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको ABS की लाइट मिलती है एंड इस बटन से आप इसके जितने भी सेटिंग्स है या फिर आप टॉगल कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको 2 ट्रिप कंप्यूटर देखने को मिलता है तो इस बटन से आप उसे टॉगल कर सकते हो एंड इस बटन से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा फुल्ली डिजिटल कंसोल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है आपको बाइक के बारे में। एंड अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो इसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर माइलेज की बात करी जाए तो इसमें आपको 45 KMPL की माइलेज भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके सीट्स के बारे में। तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है एंड अगर आप इसे लॉन्ग राइड भी के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके सीटिंग पोस्चर की। बहुत लोगों को ये रहता है स्पोर्ट्स बाइक है तो इसके जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, बट अगर सही बताऊँ तो इसके सीटिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट है और चलाने में आपको थोड़ा सा भी बैक पेन नहीं लगता है। तो चलिए सुनते हैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट। अब एक फीचर्स इसमें गौर करने वाली है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अगर ये गाड़ी न्यूट्रल में भी होगी तब भी इसका सेल्फ काम नहीं करेगा जब तक आप इसका क्लच नहीं दबाओगे। तो चलिए इस गाड़ी का अब एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ से पूरा क्लच प्रेस किया हुआ है एंड देन अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा थी ये बाइक। तो कैसी लगी आपको ये सुजुकी जिक्सर SF150? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द अच्छा मोटर वर्ल्ड चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप भी नोटिफाइड हो जाओ। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज अच्छा मोटर वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।